वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारा यूट्यूब चैनल पर क्लास रहेगी नाउन की। तो स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर क्लास में। ये रीट के लिए, पटवार के लिए, एलडीसी के लिए, बैंक के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक जो है नॉर्मल सा जनरल सा टॉपिक है द नाउन, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके दोस्तों को मिलता रहे और आपको भी मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से, नाउन के बारे में। ओके, नाउन की डेफिनेशन आप सभी को ध्यान है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का और थिंग का जो नेम होगा उसी को हम नाउन कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट द नेम ऑफ एनीथिंग वी कैन थिंक, जिस किसी के भी बारे में हम सोचते हैं उसका नाम ही नाउन है। ये नॉर्मल सी जनरल सी इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल है क्लास। क्लास हमारे प्लेस को डिफाइन कर रहा है, इस वजह से ये नाउन है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ये काम कर रहा है नाउन का। इसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड एक मटेरियल है, मटेरियल के बारे में बता रहा है, इस वजह से ये भी एक नाउन है। डॉग, डॉग एक कैटेगरी को बता रहा है, इस वजह से ये भी नाउन हो जाएगा। वॉच थिंग का नेम है, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है आर्मी, तो आर्मी जो है ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने अगर लिखा है यूथ, तो यूथ भी जो है ये नाउन ही है। ओके, चलिए नाउन का काइंड्स क्या है, कितने काइंड्स होते हैं। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। कितने टाइप के होते हैं नाउन्स? फाइव टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद सेकेंड नंबर पर हमारे है कॉमन नाउन। थर्ड नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर पर है हमारे मटेरियल नाउन। और फिफ्थ नंबर पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन अगर हम कहें तो किसी भी नाउन को प्रॉपरली अगर हम लिखें तो उसको पर्टिकुलरली नेम दे दिया जाए तो उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो हम किसी पर्सन का नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर हमने लिखा है नीतू, तो ये जो नीतू लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी कैटेगरी के बारे में, क्लास के बारे में बात करें तो होल क्लास को शो करता है। फॉर एग्जांपल गर्ल लिखा हमने, तो ये गर्ल जो है ये कॉमन नाउन को बताता है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप को शो करता है, और ग्रुप में एग्जाम्पल में हमने जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख दें अगर मान लो क्लास, तो क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। इसके अलावा क्लास के अलावा अगर हम देखें तो क्लास के अलावा हमारे यहाँ पर मोब, मोब भी कलेक्टिव नाउन में ही आता है। ठीक है, फिर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, जिससे हम नई चीज को बनाते हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है हमने वुड, तो ये एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन का। इसके अलावा अगर हमने लिखा है सॉइल, तो सॉइल भी किसका एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन का। फिर चलता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम थिंक कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसी के बारे में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिखें तो हैप्पीनेस जो है ये क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम लिखें यहाँ पर यूथ, यूथ, मर्सी, ये सब एग्जाम्पल जो है ये किसके एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ओके, चलिए हम वन बाय वन इसके बारे में पढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा सबसे ऊपर जो है ये आता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नाउन का एक नेम होता है, उसी को हम पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। इसके बारे में जो नोटेड है वो ये है कि प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ये याद रखना। और इसमें किसी भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें देखो तनु, तनु किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। तनु वॉज बोर्न ऑन संडे, तो उसका जो बोर्न यानी कि उसका जन्म हुआ है वो कौन से डेट को हुआ है, कौन से डे को हुआ है? संडे को हुआ है। तो हमने वीक ना बोलते हुए उस
वीक का जो है नेम लिख दिया है कि कौन से पर्टिकुलर डे को हुई है। तो संडे जो है ये पर्टिकुलर नाउन ही होगा। नोट में देखो नीचे, डे ऑफ वीक, मंथ, लैंग्वेज और फेस्टिवल का जो नेम है वो सभी प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि संडे जो है एक प्रॉपर नाउन का ही काम कर रहा है यहाँ पर, और तनु जो है पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम है, इस वजह से ये भी प्रॉपर नाउन है। ओके, इसके बाद नीचे नंबर पर आता है सेकंड पर, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। दिल्ली कौन से नदी के किनारे है? तो बैंक ऑफ द यमुना। तो दिल्ली जो है ये भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अगर हम इसकी जगह पर सिटी लिखते तो सिटी होता हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि ये कंप्लीट होल क्लास की बात कर रहा है सिटी, पर सिटी में हमने नाम ले दिया है दिल्ली का, इस वजह से ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। सेम वैसे ही यमुना अगर हम रिवर लिखते हैं तो होता है हमारा कॉमन नाउन, लेकिन हमारे यहाँ पर यमुना हमने नेम लिख दिया है, इस वजह से पर्टिकुलर रिवर का नेम आने पर ये प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल लेटर का जो है यूज होता है, और साथ में इसमें आर्टिकल नहीं लगता है, बट ये याद रखना कि जब भी हम किसी भी रिवर या फिर ओशन इनका नेम लिखते हैं तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगता है, इस वजह से वहां पर द था। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हम आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, हमने पहले भी बात करी है, एग्जांपल देखे हैं कि ये किसी भी पर्सन और थिंग का जो होता है सेम क्लास को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय, बॉय क्या है, एक क्लास को डिफाइन कर रहा है कि पूरी की पूरी जो बॉय क्लास है उसके बारे में। ओके, सॉरी एक सेकेंड, जो बॉय है ये किसके बारे में बता रहा है, हमारे फुल क्लास को बता रहा है, इस वजह से ये किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन। इसके बाद गर्ल, चाइल्ड, अंकल, टीचर, ये सब कॉमन नाउन के एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, स्टूडेंट भी क्या है हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। इसके अलावा प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल लिखते हैं तो ये प्रिंसिपल भी क्या है हमारा कॉमन नाउन है, ठीक। चलिए इसमें जो नोटेड है वो पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन जो है वो बिकम्स अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है, और कब, जब वो डिनोट कर रहा हो पर्सन और थिंग की क्लास को, है ना, ये याद रखना। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को हम क्या कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये जो है उसकी क्वालिटी को ये याद रखना कि भी जो प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन में अगर किसी की क्वालिटी को शो करा जा रहा है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ पर कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर उनको बोला गया है, ये उनकी क्वालिटी को शो कर रहा है, ये शेक्सपियर है तो किसी का नेम, क्योंकि इंग्लैंड में जो ड्रामेटिस्ट रहे हैं फेमस उनका नेम है शेक्सपियर, और यहाँ इंडिया में जो सबसे अच्छे ड्रामेटिस्ट रहे हैं उनका नाम है कालिदास, तो उनको हम यही बोलने लग गए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या बता रहा है, उनकी क्वालिटी को शो कर रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर जो वर्ड है यहाँ पर कॉमन नाउन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक समूहवाचक संज्ञा होती है, इसमें जो भी होगा वो समूह के रूप में बताया जाएगा। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप का नेम होता है, या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, थिंग्स का कलेक्शन होता है, पर्सन का, ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड का होगा, तो टेकन टुगेदर एक साथ ली जाती है उनको, और डिस्क्राइब्स इन एज अ होल, यानी कि उसको एक फूल के रूप में बताया जाता है। हमने पहले एग्जांपल लिखा है मॉब, भीड़ होती है लोगों की, तो ये कलेक्टिव नाउन है। टीम, प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम टीम बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। दो तीन लोगों का जो है ग्रुप होता है उसको हम जूरी बोल सकते हैं, जो जस्टिस में हमारे काम आती है जूरी। और फिर कमेटी, कमेटी भी यहाँ पर दो या चार व्यक्तियों का समूह होता है, उसको कमेटी कहा जाएगा। फैमिली में भी हम तीन चार व्यक्तियों का सदस्यों का एक ग्रुप होता है, उसको हम फैमिली बोलते हैं। पार्टी, ग्रुप, नेवी, डजन, डजन बारह चीज़ों का समूह होता है, उसको डजन कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब के सब जो हैं क्या है, कलेक्टिव नाउन ही हैं। ओके, इसके अलावा भी अगर हम लिखना चाहें एग्जाम्पल के रूप में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्ड हमारे यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है फ्लॉक, ये भी क्या है हमारे एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है।
ओके नेक्स्ट चलते हैं. कलेक्टिव नाउन डिनोट्स एन अनडिवाइडेड होल एज इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. ये याद रखना, कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है जब वो अनडिवाइडेड होता है तब. ठीक है, तो ये याद रखना. इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. चलो एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं इसका कि कैसे क्या होगा. जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो लिखा हुआ है द कमिटी हैज पास्ड दिस रिजोल्यूशन. ठीक है, तो देखो ये जो कमिटी है ये एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हमने क्या यूज करा है, सिंगुलर नाउन को यूज करा है, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन है उसको पास कर रहे हैं कमिटी. टोटल यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का काम कर रही है, डिवाइडेड नहीं, अनडिवाइडेड है, इस वजह से सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. फोर्थ नंबर पर आता है हमारा मटेरियल नाउन. क्या होता है मटेरियल नाउन? किसी भी चीज को जिससे हम बनाते हैं उसी को हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं. यहाँ पर देखो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे हम कोई चीज बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, हनी है, वाटर है, बटर है, ये सब मटेरियल नाउन है क्योंकि ये किसी ना किसी चीज से बना हुआ है. बटर, आइस, व्हीट, ऑयल, शुगर, पेपर. इसके अलावा भी अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, वुड. ओके, इसके अलावा पेट्रोल. ठीक है, ये सब के सब जो है कर्ड, ये सब के सब मटेरियल नाउन के ही एग्जाम्पल है. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ज्यादा कुछ है नहीं मटेरियल नाउन में, एग्जाम्पल हमने लिख लिया है यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं. लास्ट फिफ्थ नंबर पर हमारा नाउन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके बारे में हम क्या है फील कर सकते हैं और उसके बारे में हम थॉट कर सकते हैं, ना कि उसको टच और सीन कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है रिप्रेजेंट करता है ऐसे वर्ड्स को जो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, क्वालिटीज को और स्टेट को. ओके, फॉर एग्जांपल हमारा जॉय है, जॉय क्या होती है, फीलिंग्स को शो कर रहा है. क्या बता रहा है ये, फीलिंग को शो कर रहा है. ऑनेस्टी जो है ये क्वालिटी है किसी पर्सन की और चाइल्डहुड उसका स्टेट है. तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जॉय, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड. इसके अलावा भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि है पुअर्टी. तो पुअर्टी जो है ये क्या है हमारा एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. ओके चलिए, नॉट क्या लिखा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ट और थॉट. हमने बताया अभी कि इसके बारे में सिर्फ हम फील कर सकते हैं और थिंक थॉट्स कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी कि इसको सीन और टच नहीं किया जा सकता है. ओके आज की हमने नाउन पढ़ा है और नाउन कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़ा है, 5 टाइप के होते हैं. सबसे पहले हमने लिखा था प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमने क्या लिखा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग का नेम जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है. सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है. थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन किसको शो करेगा, किसी ग्रुप को. और इसके बाद में हमने पढ़ा है कलेक्टिव के बाद में मटीरियल नाउन. जो है मटीरियल नाउन क्या करेगा, किसी भी वस्तु को जिससे हम बनाते हैं वो मटीरियल नाउन में आ जाएगा. और हमने लास्ट हमारा पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसके बारे में हम फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं, वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा. आज हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए हैं नाउन के. अब इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी बनती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे. और इस चैनल के लिए आगे जा करके सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली टू डेली मिलता रहे. और कमेंट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में और लाइक और शेयर जरूर करिए. क्वेश्चन ऑफ द डे भी जरूर डालेंगे. आज की क्लास यहीं तक काफ़ी है. ओके थैंक यू.